अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इतने दिनों के बाद दोस्तों आज हम फिर व्लॉगिंग करने आ चुके हैं अपने बाग के अंदर। माशाल्लाह से आपको इधर सारे वाइट वाइट फूल खिलते हुए नज़र आ रहे हैं, ऊपर से सन भी झुकने वाला है, आई मीन के जाने वाला है। तो इस वक्त हम यहाँ पे खड़े हैं जहाँ पे धनिया लगा हुआ है, लेकिन वो हमने कहा यहाँ पे गोडी करनी थी तो हमने धनिया किनारों पे लगा दिया। यहाँ पे हमारे साथ इस वक्त इस चैनल के मालिक मौजूद हैं जहाँ जिनका नाम है इब्राहिम भाई, जो कि हमें इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत देंगे। जी इब्राहिम साहब, थोड़ी बहुत हमें इंफॉर्मेशन दे प्लीज़। किसके बारे में? ये जो आपने नई फसल तैयार की है, इसमें क्या आपने क्या करना है वगैरह में? फसल तो नहीं तैयार की, फसल तो तैयार अभी नहीं हुई, यानी कि इसमें भी हम लगाएंगे भिंडी के बीज, भिंडी के बीज लगाएंगे क्यारियों पे। अभी हमने तो सिर्फ गोडी की है इसकी दो मरतबा, फिर अभी तो ये थोड़ा रोड़े हैं इसमें, फिर एक मरतबा शायद और गोडी करेंगे, फिर उसके बाद हम इस पर क्यारियाँ बनाएंगे, जितनी हो सके उतनी क्यारियाँ बनाएंगे, फिर उसके बाद हम इस पर बीज लगाएंगे। इसी तरह मैं आपको एक और क्यारी दिखाता हूँ, वहाँ भी हमने भिंडी के बीज लगाने। जी हमें इब्राहिम साहब एक और भी क्यारी दिखाने लगे हैं जहाँ पे दोबारा से गोडी हो चुकी है, देख सकते हैं। यहाँ भी दो मरतबा गोडी हुई है लेकिन उस जितनी अच्छी गोडी नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे दोबारा से गोडी करेंगे। जनाब जी, जी तो मैं नहीं है तो आप मेरे इंसल्ट कर रहे हैं यहाँ पे। उस जितनी अच्छी नहीं हुई ना, वो बस डिफरेंस इसमें इतना है कि वहाँ पे मैंने गोडी करके तो ऊपर से जो रोड़े वगैरह थे तो मैंने उनको पीस दिया, मतलब उसके ऊपर कई जो थी पुट्ठी करके मार दी, जो उसके नीचे प्लेन वाली जगह वो उसके ऊपर मारी थी जहाँ पे, इस वजह से प्लेन होगी, और यहाँ पे मैंने नहीं मारी थी, बस इतना सा डिफरेंस है। मुझे यही गलती है ना, कि क्या गलती है, एक मरतब और कर देंगे और थोड़ा सा चूमर हो जाएगा। तो आप बता सकते हैं ये क्या लगाया हुआ है? ये मूंगरे हैं, ये देखिए इनके फूल हैं। दोस्तों मैं आपको कई वीडियो में मैं आपको दिखा चुका हूँ कि इन मूंगरों के बारे में, लेकिन अभी तक मूंगरे इस वजह से नहीं लगे थे क्योंकि अब जाके सूरज वगैरह निकले हैं, अगर मौसम गर्म हुए हैं, उससे पहले सारी इतनी ठंड थी कि आपको दिखाता हूँ आगे जाके, जिसकी वजह से दरख्त के जो पत्ते वगैरह हैं उनके फल वगैरह सारे जल वगैरह गए हैं, जिसकी वजह से हमारे मूंगरे भी जल गए थे, अब वो माशाल्लाह से अब निकल रहे हैं, देख सकते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखें ये मूंगरे सारे निकल रहे हैं, अब ये मूंगरे आ रहे हैं, पहले इनका जितना भी फल था वो सारा कुछ जल चुका था, और हमने इतनी एहतियात से गोडी की है कि इनके पौधे ना कटें। इनके पौधों की ये देखिए शाखें नीचे ज़मीन के साथ हुई हैं, लगी हुई हैं, इनको उठा के ये जो हमारे साथ अशमान भाई जनाब है, आप प्लीज़ एक मिनट इधर आइए, एक मिनट, सो ओनली वन मिनट सर, एक मिनट इधर आ सकते हैं आप। ये देखें भाई अशमान हमारे साथ खड़े हैं, इनको हमने पौधों के साथ ऐसे जम्फी डाल दी थी, आप जरा करके दिखाएंगे एक बार तो हमें। अच्छा वो कह रहे हैं मुझे शर्म आ रही है, मैं नहीं कर सकता यार। दोस्तों अपने हमारे गाइस के लिए प्लीज़ एक मरतबा कर दे, कुछ नहीं होगा, आप अपनी सोल्ड को तलवार को ज़रा कमान में डाल के एक मरतबा कर दे। अच्छा दोस्तों उसको शर्म आ रही है, कहता मैं नहीं हूँ। दोस्तों इस वक्त यहाँ पे हमने मेथी भी लगाई हुई है जो कि माशाल्लाह से अब बड़ी हो गई है, आपको थोड़ा सा करीब से करके दिखाते हैं हम। ये देखें उनके ऊपर भी सारे मूंगरे लेटे हुए हैं, लेटियां मारी हुई हैं, तो हमारे कैमरे के सामने आके बोल दें तो कि लेटियां मारी हुई हैं, आपको शर्म आती है? दोस्तों आगे हम पालक की तरफ जाते हैं। दोस्तों हम पालक के पास अब पहुंच चुके हैं इतनी मुशक्कत के बाद, यहाँ पे हमने बन्ना बनाया हुआ था, ये देखें आपको नजर आ रही होगी, यहाँ पे कुछ भी नहीं था पहले, लेकिन इस जगह पे हमने कहा फिर खाली खाली है, तो मैंने आपको बताया था शुरू में कि यहाँ पे धनिया जो हमने बन्नों पे लगा दिया था यहाँ से निकाल के, ताकि क्योंकि हमने इधर भी गोडी करनी थी, फिर उसके बाद यहाँ पे भी भिंडी लगानी थी ताकि हम खूब मज़े से भिंडी खा सकें, तो फिर ये प्लान कट हो गया, तो जो आगे वाली गोडी है उधर हमने फिर बेल तोड़ी और वगैरह वगैरह क्या कहते हैं उसको करेले कद्दू वगैरह लगाए थे प्यारे से, तो फिर हमने कहा वो इस चीज़ के लिए रख छोड़ देते हैं, और ये जो है ना ये दो क्यारियाँ
इनके अंदर हमने बिल्कुल लंबी खेलियाँ निकाल के गोडी वगैरह कर कुर के तो यहाँ पे भिंडी लगा देंगे। तो फिर यहाँ से हमने धनिया निकाल के इन बन्नों के ऊपर लगा दिया, देख सकते हैं आप। ये देखें ताज़ा ताज़ा पानी, अभी अभी मैं बाल्टी भी घर से लेकर आया था, जो मैंने अभी ये बाल्टी पड़ी हुई है इसके साथ अभी मैं पानी डाला है। तो नहर आने में अभी एक दिन बाकी है, 10 तारीख को बाद में नहर आनी है, फिर पानी लगाएंगे। मैंने कहा तब तक सूख ना जाए इस वजह से। तो ये पालक में भी हमारे बहुत सारा घास निकलाया था, तो हमने फिर इस वजह से यहाँ से इसके अंदर से घास निकाला, माशाल्लाह से अब साफ नज़र आ रही है ये। तो अभी भी कुछ कुछ घास है, अभी हम कल आएंगे फिर निकालेंगे आके, ये देख सकें, देख सकते हैं ये सारा वो घास है जो अब सड़ चुका है, इससे भी ज़्यादा था, इससे भी ज़्यादा था ये घास जो अब सड़ चुका है। आगे भी हम जाते हैं, अब आपको और चीज़ें दिखाते हैं। ये देखें जैसे छुट्टियां हुई हैं हमारी, और आपको पता है कि पाकिस्तान में अब इलेक्शन चल रहे हैं, तो इस वजह से इनको भी गवर्नमेंट की तरफ से मेरे भाइयों को छुट्टियां हुई हुई थी और दूसरे सारे भाइयों को, तो हमने कहा चलो एक मरतबा अपने सब्ज़ी वगैरह बाग का सर्वे करते हैं और जाके जो कुछ नामुकम्मल है उसको मुकम्मल कर देते हैं। तो हमने ये देख सकते हैं यहाँ पर भी लहसुन के अंदर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, तो माशाल्लाह से लहसुन आप देख सकते हैं बड़ा बड़ा हुआ हुआ है। चलो घर, हमने घर की सब बाहर से ज़रूर लेकर आनी है, किसी इंजेक्शन वगैरह लगाए होते हैं दुकान से मतलब हैं, तो ये हमने कहा अपनी फसल लगाते हैं उसके अंदर से घर लेके जाएं। वैसे भी ये जट्टों के कहावत मशहूर है कि सिर्फ उनको नमक लेकर लेके जाना चाहिए बाहर से दुकानों से, बाकी सारी चीज़ें उनकी अपनी होनी चाहिए। तो ये देखें माशाल्लाह से यहाँ पर हमने गोटी की हुई है, और ये जगह पर ये देखें, ये जो आपको ये वट नज़र आ खेली नज़र आ रही है, इसके अंदर हमने प्याज लगाए हुए हैं, प्याज है आज से महीना 2 महीने हो गए होंगे इस प्याज को, और यहाँ पे अब माशाल्लाह से बड़े हुए हैं, गोडी की हुई है इनके भी, और ये भी मोटे ताज़े ताज़े हो जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे आपको मैं दिखा चुका हूँ पहले भी वीडियो में, और ये भी अब दोबारा दिखा रहा हूँ, ये माशाल्लाह से सलाद पत्ता बड़ा हो गया है, ये देखें, जो कि सलाद में ज़रूरी होता है, अहम होता है, इसको खाने से आपके जिस्म में जो आयरन की वगैरह की कमी होती है वो भी मुकम्मल हो जाती है। यहाँ पर भी हमने गोडी कर चुके हैं, और उसके साथ यहाँ पे थोड़ी सी और काम रह गए हैं जो कि हम अब कल या परसों तक मुकम्मल कर लेंगे। जैसे अब ये देखिए, ये इसमें भी घास निकला है, ये कहते हैं इसको चुकंदर के अंदर और शलजम वगैरह के अंदर, तो इसको भी हम मुकम्मल करेंगे, इसको साफ करेंगे। गाजर भी साल लगी हुई है, उसके अंदर भी सारा घास उगा, उसको साफ सूफ करके फिर उसकी गोडी करेंगे। ये थोड़ा सा काम और इसके मोगरों के अंदर थोड़ा सा रह गया घास वगैरह, तो उसको भी हम मुकम्मल करेंगे कल। ये देखें अंदर से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, सामने से सिर्फ हमें मूंगरे नज़र आ रहे हैं और कुछ भी नहीं है। इस वजह से हमने कहा इसके अंदर ज़रा धूप छुप जाए और इसको ज़मीन से और ताकत मिले, इसकी ज़मीन बिल्कुल छाऊ हुई, मतलब उसकी ज़मीन पे सारी छाऊ हुई पड़ी है, थोड़ी अंदर धूप जाएगी तो सारा इसको ताकत मिलेगी, और माशाल्लाह से जल्दी जल्दी से ये मूंगरे निकालेंगे। वैसे मैंने आपको बताया था कि धुंध की वजह से ये हुआ हुआ था, तो उस फाल इसके अब तक इसके ऊपर मोगरा लग जाना चाहिए था लेकिन अब तक नहीं लगा, तो ये सिर्फ धुंध की वजह से हुआ था। आपको दिखाता हूँ वो धुंध जो इतने दिनों से आई हुई थी, उसके नुकसान अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी हम पहुँच रहे हैं उसके पास। ये देखें इधर सहारे, ऐसे लगता है जैसे बिना कपड़ों के दरख्त खड़े हैं तो कुछ ऐसे खड़े हैं और कुछ के ऊपर वो सड़े पड़े हैं, लेकिन हम वाहिद दरख्त है जिसमें ताकत होती है। ये देख जितनी भी हमारे इधर नीम लगी हुई है, नीम है वो सारी, ये देखे सड़ चुकी हैं, वो ऊपर से भी आपको ये देखे सड़ चुकी है सारी ऊपर तक। मैं तीली लगाऊं पूरा नीम जल जाएगा। और ये देखे ये सारा बिना कपड़ों के दरख्त खड़ा हुआ है, इसके ऊपर कोई पत्ता वगैरह है ही नहीं, ये शतूत ये लगा हुआ है, और इसके साथ जो आपको बेलें नजर आ रही है ना वो ऊपर जा रही हैं, ये अंगूरों की बेलें हैं जो अभी जिनका अभी सीजन नहीं आया। अल्लाह ताला ने आम में वाहिद ऐसी ये बस आम में और सफेदे में यहाँ पे जो अब खड़े हैं, किक्कड़ के दरख्त भी खाली हुए पड़े हैं, वो देखे वो नजर आ रहे हैं किक्कड़ के दरख्त हमें दूर दूर से, तो वो भी खाली हुए पड़े हैं, सिर्फ यहाँ पे आम सफेदे और ये बांस
ये देखें ये बांस भी आपने अच्छा जनाब जी वो अभी क्या खा रहे हैं मूली, वो मूली खा रहे हैं को कह रहे हैं मैं अभी जवाब नहीं दे सकता कि हमने इसके साथ क्या खेलना है, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ी देर के लिए हमें दे दें, हम थोड़ा चट की तरफ घूम सके। और अगर दाक ने भी मेरे साथ मेरी जैसी कटिंग की हुई है पा। आगे आगे हम जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं हमारे गंदुम। माशाल्लाह से ये हमारी लेट से उगी थी, लेकिन अब भी माशाल्लाह ये देख सकते हैं बड़ी हो चुकी है भाई। इसको बड़े यार पकड़े में पकड़े हैं, मेरी ना बाजू दर्द करने लग गई है। ये इसके साथ साथ हमने सरसों उगाई हुई है ताकि इसकी खूबसूरती बरकरार रहे। और इस तरह से माशाल्लाह से अल्लाह के फजलो करम से माशाल्लाह ये जो हमारी गंदम है ये वाला एक बीघा, ये मेरे चाचू भी कह रहे थे और हमें नज़र भी आ रहा है बाकी बीघों के हिसाब से कि ये माशाल्लाह से अच्छा खासा उगा है घना। अल्लाह ताला इसमें और बरकत डाले और अल्लाह ताला सारे हमारे विगों में गंदम में माशाल्लाह से बरकत डाले ताकि अच्छी खासी गंदम निकले, मुनाफा भी अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो। और ये भी माशाल्लाह से हमने बाद में उगाई थी, जब इसके ऊपर ये निकल रही थी ना अभी ताज़ी ताज़ी, तो हमें लगा था कि ये बहुत हल्की होगी, कहीं कहीं विल्ली विल्ली अलग अलग जगह पर उगेगी तो, लेकिन माशाल्लाह से ये भी घनी हुई हुई है और ये देख सकते हैं ये भी माशाल्लाह से और बड़ी हो चुकी है। ये देखें अब आपको आगे वाला बीघा आपको नीचे नज़र आ रहा होगा, लेकिन वो इस वजह से नहीं कि वो उसको खादे वगैरह पानी वगैरह नहीं मिला, वो इस वजह से कि हमने वहाँ से मिट्टी उठा ली थी तो वो गहरा हो गया और इस वजह से वो नीचे नज़र आ रहा है। लेकिन ये अगर इनके बराबर देखा जाए तो ये इनके बराबर ही है। आगे जाते हैं हम और हमारे साथ हमारे भाई लोग आ रहे हैं जो इनमें से तीनों का चैनल बना हुआ है और जो हमारे इब्राहिम साहब दरमियान में आ रहे हैं, तो इस वक्त जो कि मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ वो उन्हीं का चैनल है, उन्हीं के चैनल पे मैंने वीडियो अपलोड करनी है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी हेल्प हम भी उनके साथ कराते हैं, मैंने भी कहा था कि मेरा चैनल बनाए, लेकिन मेरे चाचू कहते हैं नहीं अभी नहीं बनाना है आपका चैनल। मैंने कहा वो क्यों, वो कहते हैं आप इब्राहिम के साथ हेल्प कराएं, उसका चैनल थोड़ा डाउन जा रहा है, प्लीज़ आप भी हमारे साथ हेल्प कीजिए ताकि हमारे भाई का चैनल ऊपर चल जाए और हम इस वजह से ताकि मेरा भी चैनल बन सके बन जाए। आपको मैंने दिखाया था तो वो आप देख सकते हैं कि वो अकेली नीम नहीं थी, ये देखें ये ऊपर से हमारी ये वाली जनाब नीम भी सूखी पड़ी है सारी, यहाँ पे जितनी भी नीम है सारी सूखी पड़ी है। और ये वो वाहिद आम है हमारे बाग में जिसके ऊपर इतनी इतनी आम लोग उगते हैं और इतने ही रहते हैं और इतने ही पक जाते हैं। हो आखिरकार हम सर बुलंदियों पे पहुंच गए, माउंटेन एवरेस्ट पे पहुंच गए। इस वक्त हम खड़े हैं माउंटेन एवरेस्ट पे जो कि हमें घुमा रहा है, तो यहाँ पे हम खड़े हैं देख सकते हैं ये कितना नीचे है। मारना भाई जरा एक मिनट डेथ करना अपनी। ओ भाई खैर है, ओ बंदा मर गया, ओ उठाओ उसको, एक दो गुदगुदालिया कर दो वो डंडा, ओ तलवार खींच ले बस यही बात काफी थी। वो बंदा उठ चुका है, किधर गया, वो आ रहा है नीचे से वो कह रहा है भाई मेरी तलवार दे दो मुझे वापस। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आप चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिए। और ये मैंने अपना चैनल क्यों बताया, ताकि मेरे जहन में बात थी मेरे जहन से निकल गई, ताकि मैं इसको छिड़ा सकूं इब्राहिम साहब को, ताकि वो अपने चैनल पे खुद भी वीडियो अपलोड कर सके, मैं ही ना कर सकूं अपने हाथ में डंडे लेके घूम रहे हैं सिर्फ, मुझे ही काम करना पड़ रहा है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, चलो अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी जल्दी से। बाय बाय।